ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको हनुमान साधना को सिद्ध करना है तो कुछ जरूरी बातों का आपको ख्याल रखना होगा। देखिए, श्री हनुमान रामदूत और भक्त होकर भक्ति, सेवा, श्रद्धा और समर्पण के साक्षात मूर्ति हैं। यही नहीं, श्री हनुमान चरित्र पावनता और ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ता से पालन कर सुखद जीवन की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य से जुड़े पवित्रता, संयम और अनुशासन के भाव को अपनाना हनुमान भक्ति के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। वैसे श्री हनुमान रुद्र के अवतार हैं, इसलिए माना जाता है कि शिव की भांति ही वह भी भक्ति और साधना के सरल उपायों से बड़े जल्दी कृपा कर देते हैं, जो संकट मोचक और कामना सिद्धि करने वाली होती है। अभी हनुमान साधना को सिद्ध करने के लिए सरल उपायों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनका खास तौर पर मंगलवार, शनिवार और हनुमान उत्सवों का विशेष तिथियों पर जरूर पालन करना चाहिए। जैसे पहला, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी तन, मन, विचार और वचन में पवित्रता और संयम रखकर ही हनुमान उपासना करें। तो ऐसा नहीं कि आप शादी मत करो या ब्रह्मचारी रहो, पर जब आप उपासना कर रहे हैं तो तन, मन और विचार और वचन, इसमें पवित्रता चाहिए। हनुमान का मंत्र स्मरण लाल या पीले आसन पर रुद्राक्ष की माला को असरदार माने गए हैं, तो आसन आप हमेशा लाल या पीला लीजिए। फिर हनुमान को सुख की कामना से अगर आप कर रहे हैं सिद्धि, तो चमेली के तेल और संकट मोचन के लिए तिल के तेल का साथ सिंदूर का चोला चढ़ाना सबसे ज्यादा फलदायक माना जाता है। केसर मिला हुआ लाल चंदन के साथ लाल फूल जैसे कमल, गुलाब आदि अर्पित करके पूजन करना चाहिए हनुमान जी के। फिर पवित्रता के लिए श्री हनुमान को गाय के शुद्ध घी से बना हुआ प्रसाद चढ़ाएं। खास तौर पर सुबह गुड़ चना, नारियल, दोपहर में गुड़ घी के लड्डू चूरमा और शाम को फल अर्पित करें। गुगल धूप और घी या फिर चमेली के तेल से दीप आरती करें। श्री हनुमान के नेत्रों की ओर दृष्टि रखकर मंत्र जाप या स्तुति का पाठ करें और इतनी आस्था से करें कि आंखें बंद होने पर भी श्री हनुमान जी का स्वरूप मन मस्तिष्क में मौजूद हो और दिखाई देते रहें। श्री हनुमान उपासना के बाद सिंदूर मस्तिष्क पर जरूर लगाएं और प्रसाद ग्रहण करके मन में पवित्र कार्य और विचारों का संकल्प लें। श्री हनुमान को समर्पित जनेऊ, लाल मोती या काला धागा शरीर पर धारण कीजिए, मतलब जो भी आपने उनको चढ़ाया है। अभी क्या जनेऊ वही लोग पहन सकते हैं जिनका जनेऊ हुआ है, तो अगर आपका जनेऊ नहीं हुआ है तो आप उसे मत धारण कीजिए, क्योंकि हमारे जनेऊ का बहुत महत्व है हमारे सनातन धर्म में, तो उसे धारण करने की जरूरत नहीं है। पर लाल मोती या काला धागा अगर आपने उनको चढ़ाया है जो समर्पित किया है तो आप उसे पहन सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।